रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ ज़ुबारी रहमान। बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। कुछ अहम अपडेट्स आई हैं इस केस में, और जैसे कि मैं इस केस को कंटिन्यूसली जो है वो फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो और इस केस से जुड़ी हर खबर जो है वो आपके सामने रखूँ। अडयाला जेल की जानिब से जो है वो मुलजमान के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है, उसकी तफसीरात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही अमेरिकन एम्बेसी ने जो है वो एक्सेस मांगी है इस केस के हवाले से, इसकी क्या तफसीलात है इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने चालान 173 की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 30 अगस्त यानी कि मंडे बहुत अहम होने वाला है इस केस के हवाले से। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 2-3 दिन में ही इस केस के हवाले से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। शोकत मुकद्दम ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी जमानतों के खिलाफ, उस पर समाअत होती है और जज जो है वो नोटिस जारी कर देते हैं, मुलजमान को जवाब तलब कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो अमेरिकन एम्बेसी वाला मामला है ये क्या है। अमेरिकन एम्बेसी ने जो है वो अडयाला जेल में ज़ाहिर जाफर तक एक्सेस मांगी है और वजारत दाखला को जो है वो लेटर जारी किया है कि हमें जो है वो एक्सेस दी जाए, टेलीफोनिक बातचीत हो सके। ये खबर जो है वो गर्दिश करी है, लेकिन इस्लामाबाद में जो यूएस एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए मजीद बताया है कि हमने कौंसलर एक्सेस मांगी है ज़ाहिर जाफर की, हमने टेलीफोनिक एक्सेस नहीं मांगी। कौंसलर एक्सेस क्या है और ये क्यों मांगी है, क्योंकि वो यूएस सिटीजन है ज़ाहिर जाफर। और इस केस के आगाज में ही ज़ाहिर जाफर का आपको एक बयान याद हो कि उसने बड़े वसूख से कहा था कि मुझे आप फांसी नहीं दे सकते क्योंकि मैं अमरीकी शहरी हूँ, मैं अमेरिकन शहरियत जो है वो अपने साथ रखता हूँ। और ये जो कौंसलर एक्सेस है इसका मतलब भी यही है कि हमें जो है वो डायरेक्ट एक्सेस दी जाए जेल तक, ताकि हम ज़ाहिर जाफर से जो है वो मुलाकात कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। नज़र आपको याद हो कि जब ये केस शुरू हुआ था तो इसी यूएस एम्बेसी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया था। वो ट्वीट क्या था कि हमने अपने सिटीज़न का ख्याल, हम अपने सिटीज़न का ख्याल ज़रूर रखते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी सिटीज़न ने किसी दूसरी जगह पर जुर्म किया है तो वहाँ के कानून उस पर लागू होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारा सिटीज़न कोई कानूनी मामला लेना चाहे तो वो हम दे सकते हैं, जबकि ज़ाहिर जाफर के जो वकला हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान में और वो उसे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुलाकात भी कर रहे हैं, उसका केस भी चला रहे हैं। तो अभी ये जो पहली है ये आगे जाके सुलझेगी कि यूएस एम्बेसी ने जो है वो एक्सेस क्यों मांगी है और क्या ज़ाहिर जाफर जो है वो अपना यूएस सिटीज़न होने का इस केस में फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि उनकी मदद से जो है वो जमानत हासिल कर सके। दूसरी चीज़ जो इस केस में हुई है वो यह है कि अडयाला जेल की जानिब से मुलजमान के हवाले से कुछ खबरें आई हैं, और वो खबरें ये हैं कि बी क्लास सहूलियात मांगी है ज़ाहिर जाफर के वालदैन ने। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्लासेस वाला सीन क्या है। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये तीन किस्म की क्लास जो है वो जेल में पाई जाती हैं, और ए क्लास जो है वो सुपीरियर कैदियों को मिलती है और इसमें कैदियों की जो वो हैबिट्स, तालीम, रवैया, रहन सहन देखा जाता है जेल में, और दूसरे कैदियों से बातचीत का तरीका देखा जाता है, लेकिन ये देखा जाता है बाहर के ममालिक में। यहाँ पाकिस्तान में नाज़रीन जो ए क्लास है वो उन लोगों को मिलती है जिन्होंने मुल्क को लूटा है, वो वज़रा को मिलती है, वो पॉलिटिशियंस को मिलती है, वो ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है, वो मिनिस्टर्स को मिलती है, और जबकि जो बाहर के कवानीन हैं वो कुछ और कह रहे हैं क्लास के बारे में। बी क्लास मिलती है नाज़रीन पाकिस्तान में वीआईपी लोगों को, जिसमें कि लीड क्लास आ जाती है, जिनको आम कैदियों के साथ रहना जो है वो पसंद नहीं होता। सी क्लास में हम और आप जैसे अफराद आ जाते हैं, यानी कि आम लोग, इनको सी क्लास मिलती है जिसमें रहना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इसको पसंद नहीं करता, खाना जो है वो उसका खाया नहीं जाता सी क्लास में जो मिलता है, और जो टाट पे आपको सोना पड़ता है सोया नहीं जाता। ये बहुत ही ये कहा जाए कि घुटन ज़्यादा माहौल है जेल का। फिलहाल जो ये मुलजमान हैं ज़ाहिर जाफर के वालदैन और ख़ुद ज़ाहिर जाफर साहब, ये सी क्लास में हैं। जेल हुकाम को वालदैन ने जो है वो दरख्वास्त की है कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो बी क्लास में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये लीड क्लास में आते हैं और
इनसे जो है वो सी क्लास का जो रहन सहन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी जानिब नाज़रीन ज़ाहिर जाफर ने भी यही शोर मचाया हुआ है कि मुझे यहाँ से निकाले, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझसे यहाँ पर नहीं रहा जा रहा। जेल हुकाम का इस बारे में कहना है कि ज़ाहिर जाफर को जो है वो फिलहाल सहूलियात भी फराहम नहीं की गई, और ये सी क्लास की जो सहूलियात हैं इसमें टूथब्रश, इसमें आपको कोई आपको ब्रश वगैरह कोई इस तरह की चीज़ मिल जाती है कि आप जो है वो अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रख सकें, लेकिन फिलहाल ज़ाहिर जाफर को इस किस्म की भी कोई चीज़ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि जेल हुकाम का कहना है कि ज़ाहिर जाफर का जो है वो नफ्सियाती मसला है, हमें डर है कि हमने उसको इस तरह की कोई भी चीज़ कोई भी सहूलत जो है अगर प्रोवाइड की तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या जेल के जो अहलकार हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ये भी हो सकता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करें। और जेल हुकाम के मुताबिक हर वक्त जो है वो ज़ाहिर जाफर के पहरे पर दो अहलकार मौजूद होते हैं, इस्मत आदम साहिबा यानी कि ज़ाहिर जाफर की वालिदा मोहतरमा। उन्होंने जेल इंतजामिया से कैंटीन तक एक्सेस मांगी है क्योंकि उनको जेल का खाना कुछ खास जो है वो पसंद नहीं आ रहा, वो चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कैंटीन जाएं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ लेकर खा सकें। तो ये इनकी बी क्लास की डिमांड है कि इनको बी क्लास फराहम की जाए और कैंटीन तक एक्सेस दी जाए। अब आ जाते हैं इस केस से जुड़े सबसे अहम पॉइंट पर जो कि है चलान 173। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स ने चलान मुकम्मल कर लिए और चलान में दौरान तफ्तीश ज़ाहिर जाफर को मुलजिम जो है वो नामजद किया है। 11 मुलजिमान का नाम भी दर्ज कर दिया गया है, सिर्फ डीएनए रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, कुछ की आ चुकी हैं कुछ की आनी है। वालिदैन का छोड़कर 9 मुलजिमान की डीएनए रिपोर्ट्स इस चलान के साथ जमा होंगी और फिर ये अदालत के सामने मंडे को पेश की जाएंगी। एक बात आपको बताती चलूं कि 9 मुलजिमान की डीएनए क्यों लगानी ज़रूरी है, सिर्फ ज़ाहिर जाफर का डीएनए क्यों नहीं किया गया, यानी कि बाकी 9 मुलजिमान का डीएनए क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि ये तो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन हैं, इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने वहाँ से शवाहिद मिटाने की कोशिश की है और ये इन सब की मिली भगत थी, ये सारी इनकी प्लानिंग थी। तो 9 मुलजिमान वालिदैन को छोड़कर तमाम का डीएनए किया गया और अब रिपोर्ट्स के साथ जो है ये चलान 173 मंडे को अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, और मंडे यानी कि 30 अगस्त मुलजिमान के लिए भारी साबित होने वाला है क्योंकि इस चलान की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो है वो मुलजिम यानी कि ज़ाहिर जाफर को ऑलरेडी मुलजिम नामजद कर दिया है। जो अब तक तफ्तीश हुई है इस केस में, जो अब तक इंक्वायरी हुई है, जो शवाहिद पुलिस को मिले हैं उसके मुताबिक, अब इस केस के वजह से क्या अपडेट्स आने वाली हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।